हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पर। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ, जिसमें पोस्ट होने वाली है स्टाफ नर्स और अदर पैरामेडिकल कैटेगरी की। तो पूरी डिटेल के लिए एंड तक स्टूडियो के साथ जरूर बने रहिए। वीडियो आप पसंद आए इसको लाइक जरूर के साथ साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएँ तथा ऑल का जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करें, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के अपकमिंग वीडियो को कभी भी आप फ्यूचर में कभी भी मिस नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को निकाला है पिंपरी चिंडवड़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। ये कहाँ पे है और वैकेंसी की डिटेल क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने पोस्ट की क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है, बीएससी या फिर डीएमएलटी की है, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ब्लड बैंक काउंसलर की 1 पोस्ट, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क्स और मेडिकल सोशल वर्कर ब्लड बैंक की भी 1 पोस्ट है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5 पोस्ट है, डायलिसिस टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, जिनमें 10th और उसके बाद में डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स की अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की 5, बी फार्मा एम फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की 3 पोस्ट, इंटरमीडिएट प्लस जिन लोगों ने एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन जो पोस्ट है उस पर आ जाते हैं। मेन है अपने सामने स्टाफ नर्स की, जिसमें टोटल 66 पोस्ट है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जिन लोगों ने किया वो अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है, बीएससी डीएमएलटी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 97 पोस्ट हो गई है। अपने सामने 66 पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की रखी गई है। बीएससी और जीएनएम जिन लोगों ने किया वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 32 ईयर होनी चाहिए। किस दिन तक, डेट जो इंटरव्यू की होगी उस दिन तक, इंटरव्यू की डेट क्या है वो भी आगे बता देते हैं। सैलरी आपकी यहां पे रहने वाली है 24,898 से लेकर 30,000 पर मंथ, क्योंकि एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाली वैकेंसी है। और आपका जो सिलेक्शन है वो प्योरली इंटरव्यू बेस पे यहाँ पे होने वाला है, स्किल टेस्ट इसके लिए नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस जो वैकेंसी है पीसीएमसी की, ये वॉक इन इंटरव्यू से होगी और इसके लिए जो अप्लीकेशन फॉर्म वो आपको डाउनलोड करना है, फुल्ली फिलअप कर लेना है और उसके बाद में आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। कब जाना है, 23 दिसंबर 2019 को जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, उसको फुल्ली फिलअप करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिसेंस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है और फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है। कहाँ जाना है, ऑफिस पीसीएमसी मुंबई पुणे रोड पिंपरी पुणे। तो ये जो जॉब लोकेशन है वो आपकी पुणे पिंपरी में होने वाली है। तो ये जो मोटा मोटी वैकेंसी है ये मुंबई महाराष्ट्र की हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है। मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ और देख लेते हैं इसमें कुछ और अपने ऐड कर सकते हैं। बाकी मोटा मोटी चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी है। एक चीज़ यहाँ पे रह जाती है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो सबसे बड़ी बात है और आप कहते हो कि पहले बताना भी चाहिए। तो यहाँ पे जो जीएनएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 66 जिसमें पोस्ट है, उसमें लिखा है बीएससी नर्सिंग और जिन लोगों ने जीएनएम किया वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे इन्होंने कह दिया है कि महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो आवश्यक होना चाहिए। तो महाराष्ट्र से जिनका रजिस्ट्रेशन है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज होगी 23 दिसंबर को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, पुणे में जाना है। एड्रेस मैंने बता दिया है। आई होप पूरी डिटेल आप समझ गए। फिर भी कोई सवाल मन में हो तो कमेंट करें, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जल्दी आ जाता हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।